हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, ये वीवो का फ़ोन है। दोस्तों, ये क्या होता है कि यदि आप अपने मोबाइल का पैटर्न लॉक भूल गए और आपने किसी भी तरीके से अपने अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट कर दिया है तो आपका जो है गूगल अकाउंट मांगेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, यदि आपका कोई भी वीवो का फ़ोन है दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है वाईफाई मांग रहा है। वाईफाई कनेक्ट करेंगे, कर लेना आपने दोस्तों अपने मोबाइल में। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आप देखोगे तो आपका मोबाइल जो है आपका पासवर्ड मांगेगा, या मतलब गूगल अकाउंट मांगेगा। और यदि आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है या गूगल अकाउंट दोनों नहीं पता है तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले जो है वाईफाई को कनेक्ट किया। आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें मतलब क्या मांग रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ चलिए डू नॉट पे हम कॉपी डू नॉट पे जो है डू नॉट कॉपी पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो चलिए, यदि हमें पासवर्ड पता हो तो पासवर्ड डाल के भी खोल सकते हैं, नहीं पता है तो गूगल अकाउंट पता है तो गूगल अकाउंट भी डाल के भी खोल सकते हैं। यदि आपको दोनों नहीं पता है तो आपको क्या करना है इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहना। यहाँ पे देखिए, आपको गूगल अकाउंट मांग रहा है। तो यदि आपको गूगल अकाउंट भी नहीं पता है और जो है पासवर्ड भी नहीं पता है तो आपको कैसे आप इस फ़ोन को ऑन करोगे, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आपका वीवो का कोई भी फ़ोन हो, वीडियो को मतलब इस ट्रिक को ज़रूर एक बार इस्तेमाल करना। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक्सेबिलिटी का जो मतलब ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा। यदि आपका इस प्रकार से ऑप्शन भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप बैक जाना, बैक जाने के बाद सी आल मोर पे नेटवर्क पे जाना, उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू नेटवर्क पे चले जाना। ऐड न्यू नेटवर्क पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो माइक की तरह बना हुआ है, यहाँ पे ये वॉइस वाला जो माइक बना है इस पर एक बार क्लिक करना। उसके बाद सबसे नीचे जो लिखा हुआ है टेनी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, एक बार क्लिक करोगे फिर उसके बाद आपका यही फिर से वही ऑप्शन करना है। दोस्तों, आपको माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर नीचे वाले पे क्लिक करना है डेनी पे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद फिर माइक वाले पे प्रेस करना है। दोस्तों, चलिए माइक वाले पे फिर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एलाओ का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम एलाओ पे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी बोर्ड का ऑप्शन, यहाँ पे जी बोर्ड हमारा मतलब खोल जाएगा ऐप से इनको। उसके बाद हमें चले जाना है परमिशन पे, यहाँ पे हमें देखिए परमिशन पे जाएंगे। परमिशन पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर जो सर्च वाला ये ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे हम सर्च वाले पे सर्च कर लेंगे। सर्च पे हमें क्या करना है, सर्च करना है सेटिंग, सेटिंग हमें यहाँ पे टाइप करना है। दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम सेटिंग टाइप कर लेते हैं। दोस्तों, सेटिंग आपको सर्च करना है, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आपको सेटिंग सर्च करना है। सेटिंग सर्च करोगे और सेटिंग पे आपको ओके करना है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे नीचे देखिए सेटिंग ऐप इन्फो जो लिखा हुआ है सबसे नीचे, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ओपन वाला ऑप्शन जो आ गया है, सेटिंग यहाँ ओपन। अभी आप जब यहाँ ओपन करोगे तो आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, ऐप्स में जाना है, ऐप्स में जाना है। उसके बाद ऐप्स इन्फो मतलब आपको सभी ऐप्स को ओपन कर लेना है। यहाँ से देखिए, सभी ऐप्स को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए एंड्राइड जो सेटअप लिखा हुआ है, एंड्राइड सेटअप इसको जो है यहाँ से हम फोर्स स्टॉप कर देंगे। इसको यहाँ से फोर्स स्टॉप कर देंगे। उसके बाद फिर एक बार बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों नीचे जाएंगे, गूगल प्ले सर्विस, आपको गूगल प्ले सर्विस को यहाँ से डिसेबल कर देना है। यहाँ से चलिए गूगल प्ले सर्विस पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से इसको हम इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे। अब ये हमारा प्रोसेस जो है सब कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, बैक जाना है और बैक जाएंगे। चलिए बैक पूरा बैक कर लेते हैं इसको हम, अभी अपने मोबाइल को पूरा बैक कर लेना। चलिए बैक कर लिया हमने, बैक कर लिया, फिर बैक कर लिया। स्टार्ट से हम फिर से शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ से स्टार्ट से हम फिर से शुरू करते हैं। स्टार्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, एग्री कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए गेटिंग योर फोन, उसके बाद यहाँ पे देखिए डू नॉट कॉपी, इस पर हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ये देखिए ऊपर जो लिखा हुआ जस्ट चेसिंग है और चेकिंग फॉर अपडेट, यही चीज़ आपको बार बार लिख के आएगा दोस्तों, और मतलब इससे आगे आपका सेट नहीं जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने जो है जिस मोबाइल से आपने अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट किया है उस मोबाइल को मतलब हॉटस्पॉट को अपने आप बंद कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये मतलब वाईफाई कनेक्ट रहेगा तो यही चीज़ बार बार बताएगा, चेकिंग फॉर अपडेट और जो है जस्ट चेसिंग। तो चलिए जिस मोबाइल से हमने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया था उस मोबाइल से मतलब हॉटस्पॉट को हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हॉटस्पॉट को यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ पे बंद कर देते हैं, यहाँ से ये यह हमारा बंद हो गया हॉटस्पॉट। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से भी वाईफाई हमारा जो है डिस्कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बैक करना है। यहाँ से हमारा जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद हमें इसे बैक करेंगे और बैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेट अप ऑफलाइन, यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है, सेट अप ऑफलाइन का ऑप्शन मिल गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूटी पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन लॉक मांगेगा, इसको स्किप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट डाटा, इसको भी मतलब स्किप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स मांगेगा, इसको भी स्किप कर देंगे, यूज़ ना हो। इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए हमारा सेट जो है पूरी तरीके से ओपन हो गया, बिना गूगल अकाउंट के, बिना कोई पासवर्ड के। दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, हमें कोई ऐप्स भी नहीं डाउनलोड करना पड़ा दोस्तों। तो यदि आपके मोबाइल का पैटर्न लॉक
खोलने के बाद आपका गूगल अकाउंट मांग रहा है, पासवर्ड नहीं पता है, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल का गूगल अकाउंट बाईपास कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।